एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। एक बहुत ही अहम मौजू पे आज बात करेंगे, गैस की शॉर्टेज कई जगह से रिपोर्ट की जा रही है, लेकिन हमारे जो रिपोर्टर्स हैं फिर उस पर जब हमने एनालिसिस किया, थोड़ी सी प्रोब की, दिस इज बेसिकली गैस प्रोफाइलिंग। अब गैस प्रोफाइलिंग और लोड शेडिंग में क्या फ़र्क है ये आज हम समझेंगे, लेकिन कुछ हमारे नैरेटिव बन चुके हैं, कुछ प्रस्पेक्टिव हमारे बन चुके हैं। हम समझते हैं और मैं एंटिसिपेट कर सकती हूँ कि जैसे ही रमज़ान आएगा कई चैनल्स पर आप रिपोर्ट्स देखेंगे, जी फलाने इलाके में सहरी के वक्त भी गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस में असर नहीं है, लोग किस तरह सहरी करें, यही हमारा यू नो कंप्लेंट होगी ड्यूरिंग द इफ्तार टाइम एज वेल। तो अब जबकि दो हफ्ते दूर है रमजान मुबारक, हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और ये इदारे, ये डिपार्टमेंट्स किस तरह अपनी तैयारी कर रहे हैं, आइए ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द जनरल मैनेजर ऑफ सीसीडी एंड द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन फॉर स्वीट सदर्न गैस, जनाब शहबाज इस्लाम साहब। अस्सलाम वालेकुम शहबाज साहब। सर, पहला तो हमारा यही सवाल, आप इसका जवाब दीजिए कि ये गैस प्रोफाइलिंग जो आपने हमें बताया ये क्या होती है, और आपकी बात भी बजा है कि अगर ये नोटिस किया जा रहा है कि गैस की थोड़ा सा दबाव कम है, ये तकरीबन पिछले पहर रात के यानी 11 बजे के बाद होता है, जिस वक्त आई एम श्योर कि डिमांड इतनी हाई नहीं होती, बट व्हाट इज गैस प्रोफाइलिंग? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त हमारे पास जो गैस की इन्फ्लक्स है, सप्लाई जो हमें आ रही है वो फेयर इनफ है। दिस इज़ लाइक कोई 1050 MMCFD गैस है, तो ये हमारे लिए फेयर इनफ है, जिसकी वजह से हमारे पास कोई गैस की शॉर्टेज नहीं है, जिसकी वजह से कोई देखिए लोड शेडिंग उस वक्त शुरू होती है जब हमारे पास गैस की शॉर्टेज हो जाती है पीछे से, तो हमारे पास कोई शॉर्टेज ऐसा सच नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेड का कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रोफाइलिंग उस वक्त होती है, देखिए होता ही है कि पूरा दिन गैस आपने इस्तेमाल किया तो गैस की एक सर्टन प्रेशर है, अब रात को आपको गैस की यूजेज नहीं है तो हमें जो गैस की पाइपलाइन है उसकी सैनिटिटी रखने के लिए भी हमें थोड़ी सी उसके प्रेशर कम करना पड़ता है, और ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया में होता है। अच्छा, आपने जिस तरह इशारा दिया कि गैस की इस वक्त शॉर्टेज नहीं है, लेकिन गर्मियों के महीने हैं, आप देख सकते हैं कराची में ऑलरेडी टेम्परेचर 40-41 हो गया है, तो ACs चलने शुरू हो गए, जब ये लोड इलेक्ट्रिसिटी पे आएगा तो यकीनन वहाँ पे लोड शेडिंग होगी, और हम देख सकते हैं कि तनाव हमेशा रहता है, फिर हमें के इलेक्ट्रिक की तरफ से पता चलता है कि उनकी और आपकी अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स गैस सप्लाई क्या है, स्पेशली इन द समर मंथ्स जिसमें रमज़ान भी है, और दूसरा जो लोगों ने घरों में गैस वाले जनरेटर लगाए हुए हैं उससे भी तो बोझ बढ़ेगा। देखिए, ये भी एक फिनोमेना है कि बहुत से इलाकों में हो ये रहा है कि जब बिजली जाती है तो गैस की कमी हो जाती है, और वो इसलिए होती है कि आपने बिल्कुल सही यू राइटली पॉइंटेड आउट कि लोगों ने गैस जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं या गैस कंप्रेसर इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ दिस आर इलीगल। अच्छा, तो मैं आपके जरिए अपने आपके सामने से बताना रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब अब उनको ये नज़र आता है कि कहीं पे कोई इस किस्म की यूजेज हो रही है तो हमें बताएं, बिकॉज वी विल टेक एक्शन, और क्योंकि वो यूज़ करेंगे और उसकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम होएगी, तो सो ये यूजेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर इलीगल, और हम उसको रोकने के लिए अभी कोशिश भी कर रहे हैं, हम मीडिया में भी जाते हैं, हमने अपने प्रेस में भी लिखा है और आपके जरिए भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमने अरेंजमेंट कर ली है गैस की समर्स के लिए, और RLNG भी हम कोई 150 MMCFD RLNG भी ले रहे हैं, सो कि इलेक्ट्रिक को हम RLNG दे रहे हैं, सो वी थिंक के कोई इतना ख़राब सिचुएशन नहीं होगी समर्स में जो कि प्रीवियस ईयर्स में होती थी। मैंने जस्ट गिव यू आइडिया कि पहले हमारे पास के इलेक्ट्रिक कोई 60 MMCFD गैस लेती थी RLNG, अब हमसे कोई 130 MMCFD ले रही है, तो वी हैव मेड अरेंजमेंट फॉर द समर्स। सारफीन यानी जो घरेलू इस्तेमाल करने वाले इदारों की हैसियत से आप कह रहे हैं कि आप लोगों की तैयारी पूरी है, लेकिन बहैसियत कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स हम क्या कर सकते हैं, अपनी जिम्मेदारी का सबूत कैसे दे सकते हैं? देखिए, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, जैसे मैंने आपसे कंप्रेसर का और जनरेटर का जिक्र किया जो इलीगल है, कहीं लीकेज हो रही है तो आप हमें बताएं। देखिए लीकेज, और ख़ास तौर पे लीकेज अगर बाहर हो रही है तो वो तो नेचुरल रिसोर्स ज़ाया हो रहा है, आप ही को प्रॉब्लम होएगा, इट्स नॉट जस्ट आर लॉस, इट्स नेशंस लॉस, बिकॉज यू नो 45% ऑफ द टोटल एनर्जी मिक्स इन द कंट्री इज गैस, तो गैस इज़ द लाइफ लाइन ऑफ द कंट्री, तो गैस अगर ज़ाया हो रहा है तो आप हमें बताएं। घरों में भी एक प्रॉब्लम देखा गया है कि लोग घरों में जो गैस लीकेज है उसको नहीं देख रहे हैं। ना ये आपको ये समझने की ज़रूरत है, हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो गैस का मीटर है उस वहाँ तक जो लाइन आ रही है वहाँ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
और जो घर के अंदर फिक्स्चर्स लगे हुए दैट इज कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ जब वहाँ पे लीकेज होती है तो दो नुकसान है, एक तो ऑफकोर्स बिल ज़्यादा आएगा, गैस लीक हो रहा है बिल ज़्यादा आएगा, बट उससे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि सेफ्टी इशू है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप के लोग सबसे एक आसान तरीका तो गैस लीकेज को डिटरमिन करने का ये है कि आप रात को अपना गैस सारे फिक्स्चर्स बंद करें, ठीक है, मीटर जाके देखें और मीटर और नहीं और मीटर देख लें और सुबह सुबह उठ के देख लें, अगर मीटर चला है तो इसका मतलब अंदर कोई लीकेज है, और किसी अच्छे प्लम्बर को बुला के उस लीकेज को सही कराए। और अगर आपको जरा सा अभाम भी है, ये मैंने पर्सनली फेस किया था, रिसेंटली मूव्ड हाउसेस, तो वो जो फैंसी फिटिंग स्टोव होता है उसके नीचे हमारे पास एक ड्रॉअर भी था, सो एवरी टाइम आई वुड ओपन द ड्रॉअर मुझे एक हल्की सी जो ना एक उसकी स्मेल आती थी गैस की, एंड वी गॉट इट प्रोब्ड एंड वी फाउंड आउट कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे पीछे से वो जो गैस की सप्लाई का पाइप होता है उसको अगर सही फिक्स ना किया हो तो ऐसी छोटी छोटी लीकेजेस हो सकती हैं। अच्छा, सेफ्टी पे जब भी हम बात करते हैं शहबाज साहब, पहला जहन में ख्याल आता है स्टोव का, लेकिन व्हाट अबाउट वाटर गीजर्स? हमारे यहाँ सर्दी हो गर्मी हो हमें आदत है जी गर्म पानी से नहाने की, इसकी वजह से हम इस्तेमाल गर्म पानी कर रहे होते हैं, उसकी फिटिंग्स में खवातीन का इतना इनपुट नहीं होता, और अक्सर देखा गया है कि बड़े अनसेफ जगहों पे खासकर अपार्टमेंट्स में ये गीजर्स लगाए जाते हैं, इसके लिए कोई डूज एंड डोंट्स अगर आप बताना चाहें। सबसे पहले तो वो देखना कि भाई गैस की लीकेज हो रही है कि नहीं हो रही है, वो तो आपको पहले डिटरमाइन करने की जरूरत है, एंड द मोमेंट यू रियलाइज कि गैस की लीकेज हो रही है सो एक प्रॉपर प्लम्बर को बुलाया जाए, उसको दिखाया जाए। रात को अमूमन बंद कर देना चाहिए ताकि यू नो हमारे लो प्रोफाइल हुआ गैस बंद हुआ और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक की वजह से वो जला वापस और देन गैस की लीकेज स्टार्ट शुरू हो गई। सो रात को बंद करना चाहिए। और एक और रिक्वेस्ट आपके थ्रू कि वार्म पे चलाएं, हॉट पे चलाने से गैस की ज़ाया है और कुछ नहीं है, और खास तौर पर गर्मियों में हम हॉट पे चलाना तो बिल्कुल ही खौलता हुआ पानी आपको किसी इस्तेमाल नहीं आना। और दूसरा ये भी कि आप अक्सर देखें कि जब हम गीजर्स नए नए होते हैं तो उसमें वो ऑटोमेटिक का जैसे उन्होंने कहा कि वो पायलट पे अगर गैस कम हुई है वो खुद ही एक हल्के से फ्लेम पे चली जाती है, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो किसी गीजर की खराब होती है वो यही ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, और आप उससे निपटने के लिए कि भाई बार बार कौन उसको ये जलाएगा या किसी को झुकना पड़ेगा किसी को जहमत होगी, आप उसकी वजह से उसको हॉट पे चला रहे होते हैं, विच इज़ वेस्टिंग गैस, विच इज़ गेटिंग यू आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इससे बेहतर गीजर रिप्लेस कराएं। एंड सेफ्टी इशू, सबसे बड़ा सेफ्टी इशू। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब जो नए हमारे यहाँ स्टोव्स हैं उसमें तो लाइटर्स हैं ऑलरेडी, और पहले वो माचिस वाला सिस्टम था तो फिर भी आपको थोड़ा खौफ होता था कि अगर गैस लीक हुई भी है तो वो भड़क ना जाए या कुछ हो ना जाए, ये जो लाइटर्स के साथ आते हैं स्टोव्स, आर दे मोर सेफ इन एनी वे? देखिए, सेफ तो अगर लीकेज हो रही है तो फिर सेफ नहीं है वो, तो बल्कि इनफैक्ट वो भी वही काम कर रहा है जो नॉर्मल वो कर रहा है। सो द बेसिक थिंग इज कि वो आपको वो देखना है ना। मैं आपका एक सवाल बीच में रह गया, मैं उसको जरा एक्सप्लेन कर दूं, विच इज जो कि इस वक्त लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये जो आपने रमजान वाली बात करी। देखिए, हमने प्रॉपर अरेंजमेंट करी है हम, और सिर्फ गैस के अरेंजमेंट नहीं, हमने अपने पाइपलाइंस को भी बेहतर करने की कोशिश की है। मिसाल के तौर पे आप देख रही हैं कि डिफेंस में एक लाइन बिछ रही, क्लिफ्टन में एक लाइन बिछ रही है जो कि इंशाल्लाह अप्रैल में तैयार हो जाएगी, विच विल कवर डिफेंस क्लिफ्टन के जो गैस के इश्यूज़ हैं। देखिए, गैस का इशू ये होता है कि गैस जितना आप मेन से दूर जाते जाएंगे गैस का प्रेशर कम होता जाएगा, जिसको हम टेल एंड कहते हैं। तो जो इलाके टेल एंड पे हैं हमारे, वहाँ पे गैस का प्रेशर कम हो जाता है, और उसमें हम या जब तक हम यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ाएं वहाँ पे गैस नहीं पहुँचेगा। हमने इसके लिए बीच बीच में पाइपलाइन बिछा रहे हैं, सो डिफेंस में एक पाइपलाइन बिछा रहे हैं। सो यू आर अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जैक्टली, दैट इज गोइंग टू मेक दिस डिस्ट्रीब्यूशन मच बेटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन शहबाज साहब, जिस तरह एंटिसिपेट कर रहे हैं, वी आर इन द थर्ड वेव ऑफ कोविड, और हो सकता है तमाम रेस्टोरेंट्स और ये जो केटरिंग एंड होरिका सर्विसेज हैं उसमें काफ़ी कमी आएगी, सिर्फ डिलीवरी अलाउड होगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमजान, क्या इससे कोई इम्पैक्ट होगा सप्लाई एंड डिमांड पर? देखिए, इसमें तो आप पिछले साल आपने हमने जो गुजारा है जब 24/7 हमारे एसवी सदन गैस कंपनी ने काम किया, बिकॉज देखिए जब पिछले साल कोविड हुआ था तो दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वन वाज इंटरनेट एंड द अदर वाज गैस यूटिलिटी, ठीक है ना। और हमने 24/7 काम किया, हमारे लोगों ने काम किया, हमारे वहाँ डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज वो जाके काम कर रहे थे।
देखिए जब अगर ये बंद होते हैं कमर्शियल तो हमारे पास गैस की मकदार बढ़ती है, आपके पास डिमांड कम होगी तो सप्लाई बेहतर होगा। सप्लाई तो अपनी जगह खड़ी है जी, लेकिन डिमांड जब एक जगह से कम होगी तो हमारे डोमेस्टिक कस्टमर को उसका फायदा होगा। ऑब्वियसली बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब। अगेन वी ऑल नीड टू बी केयरफुल, और ये केयरफुल जब हमें रमजान में शौक चढ़ता है ना जलेबी समोसों का, आपको एहतियात रखनी है क्योंकि कई दफा वहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं नाकिस गैस के सिलेंडर, और खुदा ना खासा किसी भी ऐसी मुश्किल से बचने के लिए कि वो ब्लास्ट हो जाए, वो एक्सप्लोड कर जाए, सबको अपनी जिम्मेदारी का सबूत लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वी विल बी राइट बैक।